हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बनाएंगे तीखी क्रंची करारी सेव, जिसे हम त्योहारों या फिर स्नैक टाइम में भी बना सकते हैं। बहुत ही कम वक्त लगता है और कम सामग्री में मैं बना रही हूँ, तो आइए मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले यहाँ पे एक बाउल लेंगे क्लीन, और उसके ऊपर छलनी लगी रखी है मैंने। फिर एक कप मैंने बेसन लिया है, 2 से 3 टेबलस्पून मैंने घी ली है, और 2 छोटे चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है। मसालों में मैंने लिया है यहाँ पे 1/2 चम्मच हींग, 1 चम्मच तिल, 1 चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच रेड चिली पाउडर। तीखी ये पाउडर है ये, मैं थोड़ा चटपटा बना रही हूँ इसके लिए मैंने 2 चम्मच लिए। अगर आप कम तीखा खाते हो तो आप कम यूज़ करें, और स्वाद अनुसार नमक। अब मैंने बेसन छलनी में डाल के मैं इसे छान लूँगी अच्छे से। इसमें जो भी गुठलियाँ रहती है उसे हमें हाथ से मैश करना है। आटा छान के हो गया है हमारा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी जो मैंने 2 छोटे चम्मच राइस फ्लावर लिया है, चावल का आटा। इससे सेव हमारी बहुत कुरकुरी एंड क्रिस्पी बनती है, इसके लिए मैं ये यूज़ कर रही हूँ। और सारे मसाले जो हमने लिए वो भी अभी डाल देंगे। और सबसे लास्ट में डालूंगी अभी 2 चम्मच घी जो मैंने गरम करके लिया है। आप यहाँ पे ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। अब हाथों की हेल्प से मैं इन सारे मसालों को आटे में अच्छे से मिक्स करके लूँगी, और गरम पानी को थोड़ा थोड़ा ऐड करते हुए सॉफ्ट आटा गूंद लूँगी, जैसे हम रोटी का आटा गूंदते हैं बिल्कुल वैसे ही सॉफ्ट आटा हमें गूंद लेना है। लास्ट में आप फिर से 1 चम्मच ऑयल डाल के इसे गूंद सकते हैं, और आटा रेडी है हमारा। इसे 5 मिनट का रेस्ट देंगे। 5 मिनट के रेस्ट के बाद मैंने जो चकली का साँचा होता है उसमें आटे को डाल दिया है, और इसे अच्छे से टाइट कवर करके ढक्कन बंद कर लेंगे। और मैं इसे डायरेक्ट ऑयल में छोड़ूंगी, जैसे ऑयल मैंने गरम करने रखा है। ये देखिए, गैस को हमें धीमी आंच पे रखना है। मीडियम टू हाई हीट के बीच आप रख सकते हो। जैसे तेल को मैंने पहले ही गरम करके लिया था, और जब मैं सेव डाल रही हूँ तो मैंने आंच को धीमी कर लिया है। 5 मिनट हम इसे रहने देंगे, और जैसे ही सेव का कलर थोड़ा बहुत चेंज हो जाए तो हमें इसे निकाल लेना है। जैसे ही हम इसे निकालेंगे तो ये पूरी कुरकुरी हो जाएगी। मैंने यहाँ पे 2 प्रकार की सेव बनाई है, एक पतली और मोटी वाली। हो गए सेव को तेल में, और इसका कलर भी चेंज हो गया है, तो मैं अब इसे निकाल लूँगी। ये देखिए, 5 से 10 मिनट बाद सेव ठंडी हो गई है, और इसका कलर कितना चेंज हो गया है। ये पूरी लाल और तीखी क्रिस्पी करारी बहुत बनी है। मैं आपको इसे तोड़ के बताती हूँ। ये देखिए, जैसे ही इसकी आवाज़ आ रही है वैसे ही ये क्रिस्पी बनी है, और बहुत ही टेस्टी है। आप बिल्कुल इसे ट्राई कर सकते हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।